हे गाइस, वेलकम टू द फोर्थ एंड लास्ट सेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ स्केचिंग सीरीज़। और आज हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग पर डिस्कस करेंगे, तो आइए लेट्स बिगिन। अब हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग के लिए सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ। एक सिलेंडर हम बनाते हैं, सबसे पहले आपको इसके बेसिक प्रोपोर्शंस पता होने चाहिए ऑब्जेक्ट ड्राइंग के, कि आपको ऑब्जेक्ट को किस तरह से स्केच करना है। तो अगर हमें ये स्केच करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके शीट के ऊपर आप मार्किंग कर लीजिए कि आपको ऑब्जेक्ट की जो हाइट है और ऑब्जेक्ट मतलब आपको कितना बड़ा रखना है। और फिर इसके बाद आप बीच में एक सेंटर लाइन खींचिए, कुछ इस तरह से। सेंटर लाइन खींचने के बाद जैसे कि अब ये सिलेंडर हमको पता है तो इसके दोनों साइड्स सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पेंसिल से कुछ इस तरह आपको मेजर करना है इसको। हमारा मेजर हो गया है और अब आपको इसको तो भी आप सबसे पहले एक बेसिक लाइन से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। अभी हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। और अब हम लाइट इसमें इस साइड से देंगे, तो जो ये वाला पार्ट है इतना इतना पार्ट, ये हमें लाइट छोड़ना है। इसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये आएगा मिडिल टोन, और इसके बाद एंड से थोड़ा सा पहले ये आपका डार्क टोन आएगा। एज कंपेयर टू दिस मिड टर्न ये वाला थोड़ा सा डार्क रहेगा, और इसके फ्रंट में यहाँ से ये इतना इतना पार्ट डार्क रहेगा और ये वाला पूरा पार्ट लाइट रहेगा। क्योंकि आप एक बार एक नॉर्मली आप एक्चुअल ऑब्जेक्ट से अगर आप स्टडी करेंगे कोई सिलेंडर को, तो उसमें आप किसी भी जिस साइड से आप लाइट देंगे उसी साइड से ये जो सर्कल ऊपर बना हुआ है, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो उसके स्टार्टिंग में डार्क हमेशा रहेगा। जहाँ से लाइट आएगी, अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो ये इस साइड डार्क रहेगा, और अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो इस साइड डार्क रहेगा। तो इसमें सबसे पहले आपको बिल्कुल लाइट लाइट शेड करना है, रेंडरिंग करनी है आपको। अब इसका जो ये वाला लास्ट वाला पार्ट है इसको भी हम थोड़ा सा शेड कर देंगे, इसको थोड़ा सा आगे तक लाइट लाइट शेड हमको बढ़ाना है इसमें। ये जो पार्ट है यहाँ से भी हम थोड़ा सा लाइट शेड इसमें डालने की कोशिश करेंगे, और कुछ इस तरह से आपका ये बेस रेडी हो चुका है। और यहाँ पे अभी मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ किया है, और ये ब्लेंडिंग स्टम्प पेपर का बना हुआ रहता है। तो मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताता हूँ कि ब्लेंडिंग स्टम्प्स का यूज़ हमेशा आप डार्क शेड को मिक्स करने के लिए ही कीजिए। लाइट शेड को मिक्स करने के लिए कभी भी पेपर का या टिश्यू पेपर का यूज़ कभी मत कीजिए, और लाइट शेड को हमेशा मिक्स करने के लिए आप कॉटन क्लॉथ का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन क्लॉथ या फिर कोई स्मॉल साइज ब्रश का। और अब हम क्लॉथ को मिक्स करते हैं, और इसमें आपको जैसे कि मैंने आपको बताया था इसको एकदम राउंड राउंड चला के आपको मिक्स करना है। और अब मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ,
तो इसको हमें सिर्फ डार्क जो शेड है हमारा, सिर्फ हमें उसी को शेड करना है इससे। और कुछ इस तरह से शेड हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे लाइट जो आपकी पेंसिल है आपको वो लेना है। मैं यहाँ पे HB पेंसिल का यूज़ करूँगा। और HB पेंसिल के साथ आपको क्या करना है, आपको ये जो शेड है इसको आपको स्प्रेड करना है। और अब आप कोशिश करिए कि आपका जो ब्लेंडिंग का जो एक स्टेप था वो हो चुका है, और ब्लेंडिंग आप बस बेस को कवर करने के लिए ही कीजिए। और आप ये कोशिश कीजिए कि जब भी आप ब्लेंडिंग करें तो जो अभी हमने ब्लेंडिंग की है वो हमने बस उसका बेस अप्लाई किया है। आप बस ये कोशिश कीजिए कि आप सिर्फ एक बेस अप्लाई करें आपके जो ड्राइंग है उसके ऊपर, और फिर दोबारा आपको ब्लेंडिंग यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा आप ट्राई कीजिए। जैसा कि अभी हम कर रहे हैं, हमने बस अभी एक बेस अप्लाई किया है ब्लेंडिंग का। और आपकी अगर पेंसिल के स्ट्रोक्स आपको दिख रहे हैं मिक्सिंग में और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आप ब्लेंडिंग का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद आप यही ट्राई कीजिए कि आप बस एक ही बार ब्लेंडिंग का यूज़ करें। यहाँ भी हम हल्का सा शेड को थोड़ा सा डार्क करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना है आपको। और ये जो हाईलाइट वाला पार्ट है इसको आप ब्लैंक ही छोड़ दीजिए लाइक दिस। और अब हम फिर से 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे, और इसके बाद हम दोबारा से डार्क जो पार्ट थे हमारे डार्क एरियाज उसको हम फिर से शेड करेंगे। कुछ इस तरह से आपको शेडिंग करनी है इसमें। और इसके बाद हम शेडोज बना लेते हैं। और अब हम फिर से 2B पेंसिल लेते हैं। हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप जब भी आप पेंसिल शेडिंग पे वर्क करें तो आप सबसे पहले लाइट एरियाज को कवर करें, उसके बाद ही आप डार्क एरियाज पर जाएं। और अब हम फिर से 4B पेंसिल का यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट की जो आपकी सबसे डार्क शेड है उससे शेडो का जो डार्केस्ट एरिया है वो हमेशा उससे डार्क रहेगा, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। और अब मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद आप कोई भी इरेजर लीजिए, हम हाइलाइट्स बना लेते हैं। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं ये पूरा रियलिस्टिक लुक आ रहा है इसका। और बस आप बेसिक्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए, आपके वर्क में आपको इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी दिखेगा। आई होप ये वीडियो और बेसिक्स ऑफ स्केचिंग सीरीज़ आपको अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ हमारी बेसिक्स ऑफ स्केचिंग सीरीज़ यहाँ एंड होती है। एंड आई प्रोमिस यू ऑल कि मैं इसी तरह और भी आपके लिए सीरीज़ लाता रहूँगा। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ड्राइंग।